बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया है कि ये यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल रिपेयर के बारे में वीडियो है तो बेसिक सी, लेकिन बंदा इसमें फंस जाता है क्योंकि नॉलेज ना हो तो फिर बंदा फंसता ही है, छोटे से काम में भी बंदा फंसता है। इसलिए ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों के काम आएगी, क्योंकि ये केबल्स बहुत कॉमन हैं। ये देखें, ये सैमसंग का स्टैंडर्ड है एंड्रॉयड का, ठीक है जी। एंड्रॉयड फ़ोन तो तकरीबन आजकल हर बंदे के पास है, कुछ दूसरे आम फ़ोन में भी ये स्टैंडर्ड इस वक्त आ रहा है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। ये केबल अगर ख़राब हो जाए तो बेकार हो जाती है, अक्सर ये बेकार हो जाती हैं, फिर पूरी फेंकनी पड़ती है और है भी थोड़ी एक्सपेंसिव, तो खामखा ख़र्चा करना पड़ता है। तो अगर आपके पास बेसिक टूल्स हैं तो आप इसको दोबारा रिपेयर करके रीयूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। और कुछ केबलें होती हैं, कुछ नहीं होती, ये भी जहन में रखिए। अब ये जैसे ये केबल हमारे पास है तो ये रिपेयर होती है, ठीक है जी। रिपेयर करने का तरीका क्या है कि अक्सर इसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो टूट जाते हैं, या यहाँ से टूटते हैं या यहाँ अंदर से टूट जाते हैं, तो उनको रिपेयर करना पड़ता है। तो रिपेयर करने के लिए आपके पास जस्ट एक नाइफ होना चाहिए, ठीक है। बस ये नाइफ़ की मदद से आपने इसको यहाँ से खोलना है, क्योंकि ये यहाँ पे ग्लू भी किया होता है और क्लिप्स भी होते हैं, ठीक है जी। तो आपने इसको इस तरीके से खोल देना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसके अंदर जगह पैदा करनी है और इस तरह से ये दो कवर जो हैं वो अलग कर देना है। इस तरह से आपने इसके अंदर जगह पैदा करके इन दो कवर्स को अलग कर देना है। इसके बाद ये देखें, ये इसमें आपको चार वायर्स नज़र आ रही हैं, इस केबल के अंदर चार मज़ीद जो हैं तो केबल्स हैं या वायर्स हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको चार कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, तो इनके ऊपर इसको कनेक्ट करना है इनको। अब देखें तो एक कनेक्टेड है, बाकी तीन डिसकनेक्टेड हैं। तो इस सूरत में जब ऐसी हालत हो आपके पास, केबल इस शक्ल में आपके पास आ जाए, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि अब मैंने कौन सी तार कहाँ कनेक्ट करनी है। तो उसके लिए मैंने डायग्राम बनाई है, डायग्राम की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप डायग्राम की मदद से समझ जाएंगे तो फिर ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इसके दो साइड हैं, एक ये स्प्रिंग वाले साइड हैं, ये जो दो ये नॉच से बने हुए हैं, ठीक है जी। ये थोड़े निकले हुए, ये लॉक करने के लिए होते हैं, लॉकिंग टैब्स होती हैं ये। ये देखें लॉकिंग टैब्स, इनको ऊपर रखिए। दूसरी साइड प्लेन है, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये छोटी साइड है, प्लेन है, ये नहीं होती, मतलब प्लेन है, ये बाहर उभरी हुई नहीं है। यहाँ पे ये दो जो टैब्स हैं ये उभरे हुए हैं, तो इनको ऊपर रखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाए हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ आपने कनेक्ट करना है, ठीक है, इन केबल्स को। कनेक्ट कैसे करने हैं, पहली वायर जो आएगी यहाँ पे ये रेड आएगी, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट करता हूँ इस नाइफ की मदद से। जो ये रेड वायर है ये पहली वाली है, ठीक है जी, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी वाइट वायर है ये वाली, ठीक है जी, सफ़ेद तार है ये वाइट वायर, ये दूसरे के ऊपर कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद ग्रीन वायर है, ठीक है जी, ये ग्रीन वायर आपकी ये थर्ड पे कनेक्ट हो जाएगी, और फोर्थ पे ये जो है ये ब्लैक वाली तार जैसे कि कनेक्टेड है ये कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमने ये करना है कि सोल्डरिंग आयरन की मदद से इनको साफ़ करना है। यहाँ पे ये जो छोटी थोड़ी थोड़ी लिट्स वायर जैसे कि इससे जो कट चुकी हैं, जो किनारे इसके कट चुके हैं, वो यहाँ नहीं होने चाहिए। ये अगर होंगे तो ये मैस फैलाएंगे, इधर उधर शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपने ये कर देना है कि इस केबल को चेक करना है। ये केबल चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको पावर में लगाइए, यूएसबी ये जो अडैप्टर होता है उसके अंदर इसको लगाइए, और ब्लैक और रेड, सुर्ख और काली, ठीक है जी, लाल और काली, इनके बीच में आपने वोल्टेज टेस्ट करने हैं। तो अगर 5 वोल्ट आपको यहाँ मिलते हैं चार्जर के, जब ये चार्जर में लगी हो, तो फिर ये ठीक है और ये केबल ठीक हो सकती है। अदरवाइज़ अगर केबल के अंदर कहीं बीच में मसला हो गया तो फिर अगर आप यहाँ ठीक भी कर देंगे तो ठीक नहीं होगी। तो हम इसको ठीक करते हैं, ठीक है जी। यहाँ मैंने वोल्टेज टेस्ट कर लिए थे, वो सही थे, तो ये मेटल के ऊपर मैं इसको रखता हूँ, सोल्डरिंग करते हैं। इसका तरीका ये है कि आप क्लोफनी लीजिए, बेरोज़ा जिसको कहते हैं, ठीक है, गंदा बेरोज़ा भी कहते हैं, बेरोज़ा भी कहते हैं, क्लोफनी कहते हैं, ये ले लीजिए, और इसको जो है अपना सोल्डरिंग आयरन लीजिए और इसको डिसोल्डर कर देते हैं। ये एक वायर जो लगी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म करके इसके ऊपर ये क्लोफनी को पिघला दीजिए, ठीक है जी। ये आपने सब कनेक्शन के ऊपर करना है, उसकी रीज़न ये होती है कि हमने इसको अच्छे से करना है, सही है। अच्छा, इसको इस तरीके से आपने पिघला के, तो ये जो है इसमें से ये तारें अलग करनी है। देखें, ये सोल्डरिंग आयरन के मुंह में तारें हैं, ये हम अलग कर देते हैं, ठीक है। ये तो ये सारा गंद बला जो है ये इसमें से अलग कर देना है, ठीक है। मैं उंगली की मदद से कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ की मदद से, मसलन किसी फॉर्म वगैरह, किसी कागज़ वगैरह की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको साफ़ कीजिए, इसमें बिल्कुल भी पुरानी तारें नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ टर्मिनल होने चाहिए, ठीक है जी। अक्सर पुरानी तारें लोग छोड़ देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ट्रबल होती है।
सोल्डरिंग करने में, ठीक है जी। इस तरीके से आपने साफ़ कर दिया, अब तकरीबन ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब जो है तो इन तारों को आपने थोड़ा सा इसको पीछे खींचिए, ये वाले प्लास्टिक को का जो पीस है, ठीक है, और इनको बराबर काट के ना, तो फिर हम इनको बराबर काटेंगे, फिर इनके बाद इसके बाद फिर आगे के स्टेप में हम इनको छीलेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ से काट दीजिए कटर की मदद से, ठीक है, छीलेंगे और फिर जो है हम इनको अपनी अपनी जगह पे जो करस्पॉन्डिंग जगह हैं जैसे मैंने आपको डायग्राम के मुताबिक समझाई हैं उनके ऊपर सोल्डर कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने छीलना है, जस्ट थोड़ा सा इसको निकाल लेना है, ठीक है, बाकी सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए इसको छील के तो थोड़ा सा इस क्लोफनी में लगाइए ताकि ये फ्लक्स हो जाए, ठीक है जी, और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सोल्डरिंग के लिए अगर सोल्डर इनफ ना हो, काफ़ी ना हो वहाँ पे, तो आप यहाँ से इसको सोल्डर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सोल्डर लगाइए ताकि ये सोल्डरिंग के इसके ऊपर इतनी सोल्डरिंग हो कि ये इसको टर्मिनल के ऊपर सोल्डर कर सके, ठीक है जी। ये देखें मैंने एक वायर सोल्डर कर दिया, ठीक है, बाकी की तारें बिल्कुल मैं इसी तरीके पे सोल्डर कर देता हूँ, और तारें बड़ी ज़्यादा लंबी ना छोड़ें, बिल्कुल हल्की हल्की होनी चाहिए जिस तरह ये है, ठीक है, ताकि इधर उधर शॉर्ट ना हो, ठीक है। ये आपने करना है, करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक तार आपके सामने करता रहूँ तो, करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसको बंद करते हैं। दोस्तों ये सोल्डरिंग करने के बाद आप देख सकते हैं तमाम चार तारें रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लैक इस तरफ से, जब आपके पास ये स्प्रिंग टाइप कॉन्टैक्ट ऊपर हों, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने सोल्डर कर दिए, अब जो इसके कवर्स हैं उसके अंदर हम आराम से इनको लगा देंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। अब देखिए कि जिस तरीके से बैठता है उसी तरीके से बैठाइए, क्योंकि दो हाफ हैं, ठीक है, तो जिस हाफ में भी ये जिस तरीके से बैठे तो उस तरीके से आपने बैठाना है, ठीक है जी। केबल को भी इस तरह से हम कर देते हैं ताकि इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। अब फिर दूसरा जो हाफ है उसको यहाँ पे ऐसे करके हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये लग गया बहुत मजबूती के साथ, देखें, ठीक है, ये जिस जितना बाहर था उतना ही बाहर होना चाहिए। अब हम कोई भी सुपर ग्लू लेके यहाँ पे, यहाँ पे और इस केबल पे डाल लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि ये इसमें फंसा रहे। तो इस तरीके से ये केबल मुकम्मल हो गई है, ठीक है जी, और ये केबल रेडी है अभी काम करने के लिए। तो हमने इस केबल को रिपेयर कर दिया, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। जिन जिन दोस्तों के पास ऐसी केबल कोई ख़राब हो तो वो इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, इसको ट्रैश होने से बचा सकते हैं और फेंकने से बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, देखते रहिए वीडियोज़ को और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।